नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा हुआ है। मंदिर से टकराकर ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ है और हादसे में ट्रेनी पायलट की मौत हो गई है। एक अन्य ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां इलाज जारी है। चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव की पूरी घटना सामने आई है और मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया है और मंदिर पर टकरा था ये ट्रेनी प्लेन, जिसमें एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई है। एक अन्य ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये क्रैश हुआ और उसके बाद तस्वीरें सामने आई हैं ट्रेनी प्लेन की, यानी कि इसमें ट्रेनिंग दी जा रही थी इन दोनों पायलट्स को, जिसमें से एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है और मौके पर रेस्क्यू चलाया गया और जो ट्रेनी पायलट घायल हुआ था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और रात की तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से, यही मंदिर है जिससे ये ट्रेनी प्लेन टकराया था और ये पूरा हादसा हुआ। एक अन्य ट्रेनी पायलट जो है वो घायल हुआ है, जबकि एक की मृत्यु हो गई है इस पूरे क्रैश में और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ है उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्लेन क्रैश की तस्वीरें सामने आई है। इन दोनों ही ट्रेनी पायलट्स को इस ट्रेनी प्लेन में जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब भी कोई जो है पायलट जो होता है वो अपना कोर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, उसमें होता है कि आपको उड़ान के इतने घंटे पूरे करने होते हैं, वो तमाम चीजें हैं। और इसी दौरान ये ट्रेनी प्लेन था जिसमें दोनों पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। रात के समय पूरा हादसा हुआ है जब मंदिर की एक चोटी से ये प्लेन टकराया था। विपिन तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विपिन, पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मुझे मैं बताना चाहूंगा कि आज रीवा में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। इसी दौरान यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है, एक ट्रेनिंग देने वाला प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें से एक पायलट की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को जिला अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचार उसका हो रहा है। जी पूजा जी, ये हादसा किस वजह से हुआ, क्या बताया जा सकता है, कितने बजे की पूरी घटना है? रात की तस्वीरें विपिन, ये लग रही है कि रात के समय पूरा हादसा हुआ होगा और जैसे कि हम बात कर रहे हैं मौसम की, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे की खबरें जगह जगह से आती हैं, लेकिन रीवा की बात करें जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है वहां पर मौसम की स्थिति क्या थी, लोगों ने क्या कुछ देखा? पूजा, मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये हादसा बीती रात 2 बजे का बताया जा रहा है। हादसे के वक्त भयंकर कोहरा और धुंध थी और जिस वक्त हादसा हुआ रात का मौसम था, कड़ाके की ठंड थी और उसी ठंड उसी कोहरे की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि पायलट से चूक हुई और वो गुम्बज से जाकर टकरा गया और सबसे बड़ा हादसा हुआ रीवा जिले की। आज सुबह जब हुई तो लोग इस हादसे की खबर सुन के अचंभित थे। जी पूजा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटना पर क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, क्योंकि दोनों ट्रेनी पायलट थे, दोनों में से एक की मौत हो गई है, एक अस्पताल में भर्ती है, क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? पूजा, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद मौके पर कलेक्टर मनोज पुष्प और नवनीत भसीन मौके पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य को आगे बढ़ाते हुए हिदायत दी है और अभी तक उन्होंने कोई आधिकारिक कभी बयान नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि जांच करवाई जाएगी, जांच करवाने के बाद ही जो भी सामने आएगा तो निकल के उसे रखा जाएगा। जी विपिन, ये भी बताइए, क्या आसपास अगर देखें इस तस्वीरों को तो मंदिर से टकराया था, किस तरह का पूरा इलाका है, क्या किसी और घर दुकान को या और किसी को क्षति पहुंची है? मुझे ये उमरी क्षेत्र जो आता है ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोग चूंकि मंदिर है, मंदिर में लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। अगर कहा जाए तो घनी आबादी वाला ही क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे लोगों का घर बना हुआ है। हालांकि किसी भी तरह का अभी नुकसान लोगों को नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर मतलब जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें से एक ट्रेनी पायलट की मौत हो चुकी है। जी पूजा जी, विपिन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।